यूपी के कन्नौज जिले में साइबर ठगों ने नए नायाब तरीके अपनाते हुए करोड़ों के वारे न्यायित कर दिए। फिलहाल पुलिस ने ठगी के मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला कन्नौज जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां कन्नौज के छोटे से कस्बे निकले मास्टरमाइंड ग्रेजुएट युवक स्लीपर सेल के जैसे काम कर भोली भाली जनता के साथ ठगी का काम करते थे। पुलिस का कहना है कि ये युवक पहले 3,000 रुपए का लालच देकर उनका खाता खुलवाते थे और पासबुक व अन्य कागजात अपने पास रखते थे। ये ठग विदेशों में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी का पैसा मासूम जनता के खाते में जमा करवाते थे। फिलहाल पुलिस ने झारखंड और कुशीनगर के युवक की गिरफ्तारी पर 8 छात्र ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास 176 पासबुक, 16 मोबाइल, 30 सिम कार्ड और 160 पासपोर्ट साइज के फोटोज बरामद किए हैं। हजारीबाग झारखंड निवासी एहसान और कुशीनगर के रामप्रताप थाना तिरवा पे आए थे। उन्होंने एक शिकायत की थी कि ये लोग दुबई में काम कर रहे थे, वहाँ पे इनका एक व्यक्ति से संपर्क हुआ था, जिन्होंने इन्हें बताया था कि इनकी जॉब यूरोप में लगवा देंगे और इसके लिए उन्होंने करीब 1,80,000 रुपये दिए थे और वो अपनी जॉब छोड़ के इंडिया आ गए थे और उनका काम नहीं बना। इसके बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि इनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। ये जिस अकाउंट में इन्होंने पैसा ट्रांसफ़र किया था उसको ट्रैक करते हुए ये लोग थाना तिरवा आए थे। इन्होंने कैनरा बैंक जो थाना तिरवा में स्थित है वहाँ पर पैसा इनका ट्रांसफ़र हुआ था। इन्होंने पुलिस को जब सूचना दी तो इसको गंभीरता से लेते हुए तत्काल इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें थाना तिरवा के अलावा साइबर थाना एवं थाना छिबरामऊ की भी टीमों को लगाया गया, 8 टीमों का गठन किया गया। इसमें जिस खाते में पैसा गया था उसका से संबंधित व्यक्ति कौशलेंद्र को गिरफ्तार किया गया। इसकी पूछताछ से अन्य 7 लोगों को और गिरफ्तार किया गया। जो इन गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में ये प्रकाश में आया कि ये लोग अन्य लोगों के खाते खुलवाने के लालच के लिए 3,000 रुपये देते थे। 3,000 रुपये में ये खाता और सिम कार्ड व्यक्तियों से ले लेते थे और ये जो अकाउंट्स जो खुलते थे इन्हें साइबर फ्रॉड के लिए यूज़ किया जाता था। इनकी एक अन्य टीम है जो जिनकी पूछताछ से प्रकाश में आया कि दिल्ली में एक कॉल सेंटर इन्होंने बनाया है। 6 लोगों को इसमें वांछित किया गया है जो इस कॉल सेंटर को ऑपरेट कर रहे हैं। वहाँ पे भी टीम हमारी इनकी तलाश में लगी हुई है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।